प्यार ऐसी चीज है जिसके चक्कर में अगर कोई आ गया तो भाई साहब समझ लीजिए दुनिया से उसका नाता छूट गया। जो भी व्यक्ति इसकी गिरफ्त में आ जाता है उसमें एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है, बगावत करने की शक्ति, यहाँ तक कि बनी बनाई व्यवस्था से आगे निकल जाने की शक्ति। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। हालांकि ये बात तो एक जुमला लगती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब यह जुमला हकीकत का रूप लेता है। कुछ ऐसा ही एक मामला रामपुर जिले से सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी, मैं कुलदीप कुमार। दरअसल वाक्या कुछ ऐसा है कि रामपुर जिले की 3 सगी बहनों को एक ही युवक से प्यार हो गया। जब इस बात का पता परिवार वालों को चला तो इसका खूब विरोध हुआ। परिवार वालों के साथ उन लोगों ने भी विरोध किया जिन्हें हम 4 लोग कहते हैं। वो कहावत तो सुनी ही होगी, 4 लोग क्या कहेंगे। विरोध के बावजूद भी तीनों बहनें नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर प्यार का माया जाल बुन चुका था। फिर क्या था, तीनों लड़कियों ने परिवार और समाज के उन 4 लोगों की परवाह किए बिना युवक के साथ घर छोड़कर भाग गए। अंधे प्यार की ये दास्तां अजीम नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। घटना करीब 1 हफ्ते पहले की बताई जा रही है, जहां एक गांव की 3 महीने घर से बिना बताए कहीं चली गईं। जब तीनों अचानक गायब हो गईं तो परिजन के हाथ पांव फूल गए, मतलब वो घबरा गए। परिवार वालों ने दबे पांव यानी बिना किसी को बताए चुपचाप तीनों की तलाश शुरू। पहले तो रिश्तेदारों में पता किया, लेकिन उन 3 लड़कियों का कहीं अता पता नहीं चल सका। कहानी से अलग हटकर आपको महाभारत काल में ले जाते हैं, जब युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को श्राप देते हुए कहा था कि आने वाले युगों युगों यानी जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक महिला योनि में जन्म लेने वाली कोई भी लड़की या औरत अपने किसी भी राज को छुपा कर नहीं रख पाएगी। शायद इस श्राप का असर आज भी कायम है। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तीनों लड़कियों की बात निकली तो दूर तलक गई। तीनों लड़कियों के घर से भाग जाने की खबर आग की तरह गांव और आसपास क्षेत्र में फैल गई। गली, मोहल्ले, चौक चौराहे पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इन चर्चाओं ने प्यार की अजीब दास्तां को भी जन्म दिया। चर्चा कुछ ऐसी कि तीनों बहनें किसी युवक के साथ फरार हो गई हैं। इनमें 2 बहनें तो बालिग हैं, जबकि 1 नाबालिग बताई जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि तीनों बहनों को प्यार हुआ भी तो एक ही युवक से। उधर परिवार वाले तीनों बहनों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई है। इस बात की पुष्टि अजीम नगर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार की तरफ से करते हुए बताया गया कि परिजन की ओर से लड़कियों के गायब होने की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। यदि शिकायत आएगी तो पुलिस उन्हें तलाश करने में पूरी मदद करेगी। अब इस मामले को देखकर अली सिकंदर उर्फ जिगर मुरादाबादी की एक शेर याद आता है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।